परिसर में झाड़ू लगा रही ये महिला है आप उम्मीदवार लाभ सिंह उगोके की माँ, जिनका नाम है बलदेव कौर। पंजाब विधानसभा चुनाव में भले ही आप उम्मीदवार लाभ सिंह उगोके ने निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हरा दिया हो, लेकिन उनकी माँ सफाई कर्मी की नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है। लाभ सिंह की माँ बलदेव कौर एक सरकारी स्कूल में संविदा सफाई कर्मचारी हैं, जो रोज सुबह स्कूल परिसर में आती हैं और झाड़ू लगाती हैं। बलदेव ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब वो शुक्रवार को भी झाड़ू लेकर ड्यूटी के लिए पहुंच गई। एक दिन पहले ही उनके बेटे ने कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार को 37,558 के बड़े अंतर से हराया था। बलदेव कौर 50 साल से ज्यादा की हो चुकी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने विधायक बेटे से साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगी। वो कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ उस पर मुझे गर्व है, मेरी नौकरी ही उस दौरान आय का अहम स्रोत रही जब हमारा परिवार अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। बलदेव कौर पिछले 22 सालों से बरनाला जिले के अपने पैतृक गांव उगोके में स्कूल में काम कर रही हैं। वो अपनी सर्विस को रेगुलर नहीं करने को लेकर सरकार से नाराज हैं, चूंकि वो संविदा पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नियमित करने के लिए उन्होंने कई बार इस मामले को आगे बढ़ाया, लेकिन हर बार इनके इस मामले को खारिज कर दिया गया। लाभ सिंह सीएम चन्नी के खिलाफ असली बनाम नकली गरीब का चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रहे। बलदेव कौर के पति दर्शन सिंह जीवन भर मजदूरी का काम करते रहे, लेकिन हाल ही में एक आंख की सर्जरी के दौरान उन्होंने काम करना बंद कर दिया। बेहद गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं 35 साल के लाभ सिंह उगोके। लाभ सिंह ने प्लम्बर का कोर्स किया है और वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़े। इनके पिता ड्राइवर हैं और माँ सफाई कर्मी। 50 साल से ज्यादा की हो चुकी बलदेव कौर रोज स्कूल में आती हैं और अपना काम करती हैं। रोज स्कूल परिसर में झाड़ू लगाती हैं। यहाँ तक कि अब उनके बेटे ने विधायकी जीत ली है, लेकिन बावजूद इसके इनकी ये शैली इनके पूरे परिवार की विनम्रता को दिखाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।